नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा मिथुन राशि फलादेश 15/1-15/2021 में मिथुन राशि का ये मंथ कैसा रहेगा उसके ऊपर विचार विमर्श डालेंगे। सबसे पहले आपकी जो राशि का लॉर्ड से बुध महाराज वो बहुत ही अच्छा चल रहा है और आपकी जो राशि है मिथुन राशि वो अभी काफ़ी फ्री हो गई है, क्योंकि राशि में राहु का भ्रमण चल रहा था काफ़ी लंबे टाइम से, 2.5-3 साल से। तो राशि का प्रभाव रहता है, जब भी राहु जाते हैं उसके 6 महीने बाद भी वो काम करते हैं, उसका रिजल्ट दिखता है। इसलिए अभी भी आपको उसका प्रभाव दिख रहा है, जैसे जैसे वो दूर जा रहे हैं अभी वैसे उसकी जो इफ़ेक्ट है वो कम होती है, क्योंकि पाप ग्रह जाते जाते भी वो कुछ न कुछ नुकसान करके जाते हैं, कुछ इजा तकलीफ दे के जाते हैं। अभी जो राशि में राहु का भ्रमण रहा वो ख़त्म हो गया है, वो निकल गया, वो दूर हो गया राहु महाराज आपसे। तो ये जो प्रॉब्लम चल रहे थे पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, लव अफेयर में आपकी ज़िंदगी में कोई आया एक चांद के जैसा और आके वो चला गया, जैसा लगा कोई सपना आपने देखा और सपना टूट गया सुबह उठते ही, वैसी कहानी हो गई है। और उसके ऊपर आपको जो बदनामी मिल गई वो अलग से, आपके ऊपर बदनामी के आक्षेप आ गए, लोगों ने आपको बदनाम कर दिया कि ये पत्र, ये व्यक्ति पर्सन खराब है। हालांकि आपका कोई भी उसमें रोल नहीं था, आपका इंटेंशन ऐसा नहीं था कि मैं अपनी इमेज को कोई ठेस पहुंचाऊं, कोई खराब तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट्स करूं, लेकिन सरकमस्टेंसेस ऐसे बन गए, संजोग ऐसे बन गए कि आपको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ी। घर के अंदर, बाहर, सब चीज़ों में आपकी बदनामी हुई है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी मैटर को लेकर, खास करके पार्टनर को लेकर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, या फिर लव एंड रिलेशन में आप जुड़े हो किसी से, या फिर आपको कोई क्रश हुआ हो, वो क्रश आपके जीवन में आया और वो चला गया। अभी उसके लिए आपको ज़रा भी कोई भी वो पॉइंट नहीं है कि मैं कुछ ऐसा करूं। देखते हैं तो फिर आगे कैसा रहेगा ये महीना आपका आगे। मिथुन राशि बहुत ही बढ़िया चल रही है। देखिए, गुरु, शुक्र, शनि और बुध, ये 4 ग्रहों का जो ब्रह्मन है वो सभी देख रहे हैं सेकंड हाउस को। तो ये अभी कोई कुटुंब फैमिली में कुछ नए मेहमान आ सकते हैं, नया घर अभी आपका वहाँ बन सकता है, नए घर में कुछ फर्नीचर वगैरह आ सकता है, कुछ बैंक रिलेशन आपके कुछ बिगड़े हैं या बैंक से कोई आपको कोई काम लेना है तो वो अभी आप ले सकते हो। आपसे बैंक रिलेशन आपका सुधर गया है, अभी बैंक आपकी फेवर में आ गई है, तो बैंक से कोई काम आपका अटका है लोन वगैरह का, तो वो भी आप निकाल सकते हो, वो भी कर सकते हो। कोई रुपया पैसा कुटुंब फैमिली से आपको लेना है या कुटुंब में कोई ऐसे कोई वाद विवाद चल रहा है, विल वारसा चल रहा है लंबे टाइम से, तो उसका भी अभी सॉल्यूशन आ सकता है ये महीने के अंदर। पर्टिकुलर ये महीने की बात हो रही है, तो ये महीने में आपको कुटुंब फैमिली से भी बड़ा फायदा हो सकता है। यहाँ अष्टम स्थान में सभी ग्रहों का भ्रमण, 5 ग्रहों का जो भ्रमण है, शुक्र, सूर्य, बुध, शनि, गुरु, यहाँ बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं। इसलिए शुक्र का भी यहाँ भ्रमण चल रहा है, आपका 5 ग्रह हो गए, तो ये 5 ग्रह आपके लिए बहुत सारी उम्मीदें जगा के आया है। कुछ पैसे पानी बड़े बल्फ में आपके पास सकता है, कोई बड़े टाइम से आपके पैसे अटके हुए हैं कहीं से लेने करने, या कोई पैसा आपका जाम हो गया है, कोई खा के बैठा है, तो वो पैसे अभी आ सकते हैं। कुटुंब फैमिली में आपको अभी मान इज्जत बहुत मिलेगी, आपके ससुराल में भी आपको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया जाएगा। आपको कुछ ससुराल में कोई प्रसंग में जाना पड़ सकता है, वहाँ आपकी हाजिरी हो सकती है, वहाँ आपको बहुत ही अच्छी तरह से आपका प्रेजेंटेशन हो सकता है, आपको बहुत अच्छा मान दर्जा मिल सकता है। इसलिए ओवरऑल देखेंगे तो ये महीना आपके लिए लाभदायी है, खाली रुपयों से लगती बात होगी, पैसा, धन और दौलत आएगी और बहुत अच्छे
बैंक से काम बनने वाले हैं, कुटुंब से अभी कोई अच्छा रिलेशन होने वाला है, कुटुंब से आपको कोई लेन देन मिलने वाला है, इसलिए अभी थोड़ा ध्यान दीजिए। कुटुंब फैमिली आपकी फेवर में है और आपका जो भी काम निकलता है वो अभी उसके सामने रख दीजिए, आपका काम बन सकता है। ऐसे और के वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।